वेल्ड कन्वेयर मटेरियल को हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइनेशन करीब 20 डिग्री तक मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्वे किया जा सकता है. दिस इज वेल्ट, दिस इज फोर प्लाई बेल्ट, दिस इज पुल कार्ड. वेल्ड कन्वेयर में कई सारे कैरिंग एडलर, रिटर्न एडलर, ट्रांजिशन एडलर होते हैं. दिस इज रिटर्न एडलर. ये इंक्लाइन पोजीशन में बेल्ट कन्वेयर मटेरियल को कन्वे कर रहा है. यहाँ आप देख सकते हैं वेल्ट स्विच और पुल कार्ड. अगर बेल्ट रनिंग के दौरान इधर उधर भागती है तो बेल्ट स्विच के उसका पता चल जाता है. पुल कार्ड यूज होता है इमरजेंसी पर्पज के लिए. अगर कुछ दुर्घटना हो गई या सडन बेल्ट को रोकना है तो उस समय इस वायर को आप खींच के बेल्ट को रोक सकते हैं इमीडिएट. मैग्नेटिक सेपरेटर लगा है इस बेल्ट पे, जैसे कि मटेरियल में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आयरन पीसेज आते हैं तो यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है. स्टारवेशन स्विच लगा हुआ है. अगर बेल्ट खाली रन कर रहा है तो इससे पता चल जाएगा और बेल्ट सर्टन इंटरवल पे करीब 5 से 10 मिनट के बीच में बेल्ट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जिससे कि पावर सेविंग भी हो. सेल्फ अलाइनिंग कैरिंग एडलर है. फीड और डिस्चार्ज पॉइंट पे ट्रांजिशन एडलर होते हैं. अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कैरिंग एडलर का, वो डिग्री करीब 45 डिग्री में, उसके बाद रिड्यूस होके 30 डिग्री, फिर रिड्यूस होके 25 डिग्री. फर्दर और भी बेल्ट कन्वेयर में 15 डिग्री तक हम कैरिंग एडलर को लगा सकते हैं. इससे बेल्ट का फैलाव और रनिंग में बहुत फायदा होता है. रिटर्न पुल्ली बेल्ट कन्वेयर ड्राइव यूनिट. आप लोगों को एक क्लियर व्यू के लिए सेफ्टी गार्ड तो निकाल के रख दिया गया है. लोड कपलिंग, गियर बॉक्स, इसके बाद पिन बुश कपलिंग, लीवर है डिफ्लेक्टर प्लेट का, हुड स्कर्टिंग सिस्टम, प्रेशर रोलर, बेल्ट कन्वेयर क्लाइनेशन पोर्शन, स्नैप पुल्ली, हेड ड्रम, इसमें आप लैगिंग देख सकते हैं रिंग बोन डिजाइन का, इंटरनल स्क्रेपर, एक हेड पुल्ली के पास दूसरा स्नैप पुल्ली के पास लगा हुआ है. प्लेट लगा हुआ है कि जैसे मटेरियल रिटर्न बेल्ट पे ना जाए. डिस्टिंग सिस्टम में भी कैरिंग एडलर फ्रेम है, आप देख सकते हैं उनका नंबरिंग किया हुआ है. इससे बेटर रहता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस ये पता लगाने के लिए किस नंबर कैरिंग एडलर का प्रॉब्लम है, इजी रहता है रिकॉर्ड मेंटेन. वेल्ड कन्वेयर का डिस्चार्ज सूट. इंटरनल स्क्रेपर बहुत ही मायने रखता है. अगर कोई भी मटेरियल रिटर्न बेल्ट पे गिरा हुआ है तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज ये ट्रेल ड्रम को डैमेज कर सकते. अगर प्रॉपर इंटरनल स्क्रैपर नहीं लगाया जाएगा तो इसी टाइप ट्रेल ड्रम का लैगिंग डैमेज होगा. आप देख सकते हैं ट्रेल ड्रम पे प्रॉक्सी सिस्टम भी लगा हुआ है, इससे रोटेशन पता चलता रहता. स्टैंड ड्रम पे आप देख सकते हैं डायमंड कट टाइप का लैगिंग लगा हुआ है. इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टेकअप यूनिट. काउंटर बेल्ट के नीचे कोई भी टायर रख देते हैं, जैसे कि अगर बेल्ट कभी टूटती है तो सडन स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे. हॉरिजॉन्टल टेकअप अरेंजमेंट में पूरा टेल ड्रम सिस्टम एक गाइडेड रेल पे पैरालोंगेशन मूव कर सकते. आप देख सकते हैं रेल, गाइड रोलर, व्हील टाइप, ग्रेविटी टेकअप टाइप, चार सूट स्कर्टिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए जिससे डिजेस्टिंग कंट्रोल हो सके. ये स्पेशल डिजाइन का सूट है. इसे देखा गया कि डस्ट जनरेशन बहुत ही कम होता है. बेल्ट में रेन प्रोटेक्शन गार्ड, इम्पैक्ट एडलर, स्कर्टिंग सिस्टम, डिस्चार्ज सूट के नीचे लगा हुआ इम्पैक्ट पैड, इम्पैक्ट एडलर. ये मटेरियल जब फाल होगा डिस्चार्ज सूट में हेड ड्रम से, बेल्ट डैमेज ना हो जाए, उस पे ज्यादा लोड ना आए, इसलिए कुशनिंग के लिए इम्पैक्ट पैड लगा दिया जाता है.